नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल में आपका स्वागत है। माय नेम इज किशन सोनी और आज हम बात करने जा रहे हैं मदरबोर्ड के ऊपर। दोस्तों हाँ दोस्तों, मदरबोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड कैसे काम करता है और मदरबोर्ड का यूज क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझाऊंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। टेक्निकली लोग समझ नहीं पाते, सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं, बस इसको ऐसे ही करना, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। खुद को उसको समझना पड़ेगा। जितना आप अच्छे से समझेंगे उतनी जानकारी आप कलेक्ट करेंगे उसके बारे में, जितने अच्छे से आप कलेक्ट कर सकते हो उतना अच्छा नॉलेज और उतनी अच्छी ट्रबल शूटिंग आप क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं मदरबोर्ड की तरफ। और मेरा अगर लास्ट वीडियो प्रोसेसर का देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मेरा आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। और उसको देखना ना भूलिए, क्योंकि प्रोसेसर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना मदरबोर्ड के प्रोसेसर और प्रोसेसर के बिना मदरबोर्ड अधूरा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलकर ही काम करते हैं। और सबसे पहला रिकमेंडेशन प्रोसेसर का आता है बोर्ड के लिए। तो हाँ चलिए देखते हैं दोस्तों मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड ये हो गया मदरबोर्ड दोस्तों, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इसमें, इसको समझना बिल्कुल आसान है। मैंने यहाँ प्रोसेसर ऑलरेडी लगाया है। इसका दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड। तो दोस्तों मैं इसका लॉक लगा है, इसको लॉक को आराम से खोलना है। और इसको लॉक को खोला मैंने, ये प्रोसेसर निकालना, बहुत आराम से निकालना है दोस्तों, बहुत सेफली रखना है। इसका एक भी पिन डैमेज हो गया तो आपका बोर्ड खराब हो सकता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसमें बहुत बारीक बारीक पिन होते हैं, देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हम इसको जानते हैं। ये बिल्कुल अपने शरीर के जैसा है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर का निर्माण शरीर को देखते हुए, इंसान को देखते हुए ही बनाया। हाँ तो यहाँ पर आपका प्रोसेसर लगता है, यहाँ पर आपका रैम लगता है, यहाँ पर 20 पिन 8x पावर केबल लगेगा, यहाँ पर 12 वोल्ट कनेक्टर पावर लगेगा। हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लगा तो आपका ये सेक्शन काम नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, ये सेक्शन पूरा अलग ही पार्ट है और ये स्पेशली पावर प्रोसेसर के लिए ही रहता है। ये सारे फिल्टर्स और कंपोनेंट लगे हैं ताकि ये प्रोसेसर को बहुत आसानी से सारा पावर फिल्टर प्रोसेस करके दे और कोई फ्लक्चुएशन, पावर फ्लक्चुएशन ना हो। पावर में जरा भी फॉल्ट आया दोस्तों, प्रोसेसर काम करना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों प्रोसेसर बहुत कॉस्टली आता है, जिस वजह से इस सारे कंपोनेंट को डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ एक छोटा सा चिप दिया हुआ है दोस्तों, उसको कमांड देने के लिए कि पावर आए जाए। और दूसरा साथ में इसके साथ फैन का एक कनेक्टर दिया है, जब भी प्रोसेसर ओवरहीट होगा या हीट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए एक फैन का कनेक्टर दिया है, इसके ऊपर एक फैन लगता है दोस्तों। तो ये मदरबोर्ड के बेसिक मेन चीज हो गए। यहाँ पर आपका रैम लगेगा, हर बोर्ड का अलग अलग मॉडल होता है, DDR1, 2, 3, 4 तक आ गए दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आपका PCI एक्सप्रेस कार्ड, और ये भी PCI कार्ड ही है दोस्तों। इसमें ये AGP ग्राफिक जो आते हैं वो ग्राफिक कार्ड लगते हैं दोस्तों। और इसका ये साउथ ब्रिज IC हो गया दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ ब्रिज IC भी आता है, बट अभी सारे बहुत सारे बोर्ड में नॉर्थ ब्रिज IC प्रोसेसर के अंदर ही दिए होते हैं दोस्तों। नॉर्थ ब्रिज IC का दूसरा नाम GMCH चिप है। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज है आपका बैटरी, ये आपके पावर, और इसमें एक चिप लगा है जिसको हम BIOS बोलते हैं। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल अपने आने वाले वीडियो में भी मिल जाएगा दोस्तों। और ये कैसे काम करता है इसमें पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया साटा कनेक्टर, जिससे आप डीवीडी राइटर, हार्ड ड्राइव, SSD जो कनेक्ट करना चाहते हो वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे साटा पोर्ट है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों। और साथ ही साथ इसके अंदर एक बजर लगा होता है, बजर नहीं होगा तो आपको 4 पिन यहाँ पर दिया रहेगा। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर
यहाँ पर 4 पिन कनेक्टर अलग से बजर के लिए दिया होता है। बजर का काम सबसे बेस्ट है दोस्तों, अगर मदरबोर्ड में बजर है तो मैं आपको बोलूँ आपको ट्रबल शूटिंग करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों, बहुत आसानी होगी। और ये सारे पावर पिन कनेक्टर है, तो ये बेसिक आइडियाज है दोस्तों कि मदरबोर्ड होता क्या है और कैसे उसको पहचाना जाए और वो कैसे कैसे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसके सारे कनेक्टर की। हाँ दोस्तों, ये मेरा यूएसबी केबल है, यहाँ मेरा PS2 केबल है, इसमें कीबोर्ड माउस पुराने वाले लगते थे, अभी ये बंद हो गए दोस्तों, अभी यूएसबी आ रहे हैं, सारे कीबोर्ड माउस यूएसबी लगते हैं। ये DVI कनेक्टर है दोस्तों, ये डिस्प्ले के लिए काम आता है, ये भी VJ केबल है, ये भी डिस्प्ले के लिए काम आता है दोस्तों। ये मेरा लाइन पोर्ट है जिससे मेरा इंटरनेट कनेक्ट होता है, और ये 3 पोर्ट। हाँ दोस्तों, ये तीनों दिखने में सेम है बट इसमें कलर कोडिंग दिया है, जैसा कि कंप्यूटर में हमेशा कोई भी चीज यहाँ की वहां नहीं लगती है, तो अगर वो यहाँ से वहां अगर वो पिन घुस रहा है वहां पर देखना कि कलर कोड क्या है। ऑलवेज याद रखिए, ग्रीन पिन मतलब स्पीकर का होता है, रेड वाला आपका साउंड माइक का होता है, और ये एडिशनल साउंड के लिए पिन दिया हुआ, आप इसको मैनुअली सिलेक्ट कर सकते ऑडियो ड्राइवर डालकर। इवन इनको भी आप मैनुअली सेट कर सकते हैं ऑडियो और वॉइस इन आउट के लिए। तो ये 3 तीनों का कोड दिया हुआ है दोस्तों, सेम वे आप देख सकते हैं, एक ही PS2 दिया है, आधा ग्रीन वाला कलर माउस के लिए, आधा पर्पल वाला कलर कीबोर्ड के लिए। जैसे दोस्तों सुनने के लिए कान होते हैं, बोलने के लिए मुंह होते हैं, ये मेरा बोलने वाला मुंह हो गया स्पीकर, ये मेरा सुनने वाला कान हो गया, ये मेरा USB हो गया इनपुट जो मुझे मिलता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है, ये VGA जो इसमें देख सकते हैं डिस्प्ले लाइक दैट। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, ये मदरबोर्ड पूरा बॉडी का ढांचा बिल्कुल वैसे ही काम करता है। और ये इतना बड़ा नहीं दोस्तों, छोटे में भी आता है, ये काफी बड़ा है, मैं दिखाने के लिए सिर्फ लिया हूं ताकि वीडियो में क्लियरिटी दिखे ये, और इंटेल का बोर्ड है। तो इसमें दोस्तों हर एक का एक सेक्शन होता है, हर एक का एक सेक्शन होता है, और इस पे मैं एक ट्रबल शूटिंग में वीडियो बनाऊंगा जो मेरा आपको आई बटन में मिल जाएगा, ट्रबल शूटिंग का वीडियो, मदरबोर्ड को ट्रबल शूट कैसे करना है। इतना कंपोनेंट देख के आप हैरान मत होइए, बहुत इजी है, बहुत मींस बहुत इजी है। बेसिक फाउंडेशन अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे ट्रबल शूट किया जाए। हाँ दोस्तों, ये रिपेयर भी होता है। तो ये मदरबोर्ड के बारे में बेसिक जानकारी हो गई दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अब हम आगे रैम की तरफ बढ़ते हैं, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, धन्यवाद।